चौगातम पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ब्लैकमेलिंग के जरिए पैसे बटोरने और कम सिंगर के लड़कियों को जिनसे ज्यादा का निशाना बनाने वाला नौ रुकनी गैंग बेनकाब। गैंग में दो खवातीन और सात मर्द शामिल। ग्रोह के सरगना से दो जाली शराबी कार्ड और महकमा तालीम में मुलाजमत के 40 ऑर्डर्स, 40 स्कॉलरशिप और जेर इस्तेमाल कंप्यूटर मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए। मुलजमान का चौक आजम समेत फतापुर और करोड़ में वारदात मुंतकिल कर दिया गया। नैया के नवाही इलाका 142 टीडीए में बे औलाद खातून पर शोहर ने जमीन तंग कर दी। शोहर ने दोस्तों के हमरा बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाकर घर से निकाल दिया। खातून ने शोहर के खिलाफ दरखास्त जमा करवा दी। शोहर ने बीवी को तलाक भिजवा दी। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। कराची इलाके शाहरा फैसल लाल कोठी के नाल शादी हॉल के बाहर फायरिंग नाल सिक्योरिटी गार्ड जहां बहाल थी गया। बल्दिया च ऑपरेशन के दौरान चार मुलजमान हिरासत में गिन दिए गए। शहरा फैसल लाल कोठी के नाल शादी हॉल के नाल फायरिंग नाल निजी कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड हलाक हो गया। फायरिंग के बाद पुलिस की भारी नफरी हादसे वाली जगह पे पहुंच गई ते सिक्योरिटी गार्ड की लाश को जिला अस्पताल मुंतकिल किया। मकतूल की शनाख्त अल्लादीनो के नाम तों की गई है। पुलिस मुताबिक इब्तदाई तौर पर वाकया जाती दुश्मनी का शाखसाना लगते। पुलिस साथ ही सिक्योरिटी गार्ड की हिरासत में घिर गया। मक्का कॉलोनी बल्दिया टाउन नंबर 3 पुलिस सर्च ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान चार मुलजमान को हिरासत में घिनते गैर कानूनी असलहा ते मसरूका मोटरसाइकिल बरामद कर दिए गए। इतना सब अपने नाजरीन को दसो जो भारतीय को शिकस्त हजम न थी सकी। गुवाहाटी फाते ऑस्ट्रेलवी टीम को स्टेडियम टोटल बनने वाली बस से पथराव कर दिया। हमले नाल बस के शीशे तोड़ दिए गए। दूजे T20 ऑस्ट्रेलिया भारत को हरा दिता पर भारतीय को हार बर्दाश्त ना थी सकी। गुवाहाटी फाते ऑस्ट्रेलवी खिलाड़ी स्टेडियम तो होटल रवाना थे ता नाराज भारतीय शायकीन मेहमाना दी बस ते पत्थर बसा दिते। खुशकिस्मती नल कोई ऑस्ट्रेलवी खिलाड़ी जख्मी ना थिया पर एरोन फेंच सोशल मीडिया ते तस्वीर पाते भारत दी अदम बर्दाश्त दा पर्दा चाक कर दिता। गुवाहाटी खेले गए दूजे T20 मैच च ऑस्ट्रेलिया भारत को 8 विकेटां तो शिकस्त दे दी थी। नैया से तौसा को मिलावट संगे पुल दी तामीर ते काम दा आगाज कर दिता गया। कंस्ट्रक्शन कंपनी दे जिम्मेदारां ते मेंबर कौमी असेंबली साइट दा विजिट किया। इस हवाले नाल मजीद गल करन नूं था मौजूद अपने नुमाइंदे जाहिद सरफराज नाल। जी जाहिद सरफराज, नैया तू तौसा पुल दी तामीर दे हवाले नाल तुहाडे कोल क्या अपडेट है? जी बिल्कुल लिया, तौसा पुल की जी आवाम का दरीना मुतालबा है पिया उनके अमले काम का आगाज थी गया है। इन वाले मॉडल स्टडी पूरी थी मत ना जो 2 मई 2017 को सबक वजी पाकिस्तान ने मुझे नवाज शरीफ लिया दौरा किया है और एक पुल का जरा आगाज किया है। उन्हें ब्रेक स्टोन किए उन्होंने जो काम है पे आगाज थी गया है। इन वाले तो दस लगे टेंडर प्रोसेस का काम मुकम्मल थे उनके जी कंपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी को ठेका अलाट किया गया। उन्होंने साइट का विजिट किया है जिंद मैंबर कौमी असेंबली सकलैन शाह बुखारी और दीगर जो मुकामी नुमाइंदे हैं पे वो भी मौजूद हैं पे। इन वाले इन्होंने जो जल्द गाल थे उन्होंने जो आखने पे पुल है पे 3 साल दरअसल मुकम्मल किया वैसे जैसे तो जरा पे 4 अरब रुपए के करीब करीब जी लागत आसी। इन वाले इन्होंने जो आखने पे कि पुल बनने नाल जरा पे शहर को और मकीना को जरा पे जितना दही कटाओ तुम निजात मिल सी उतनी इन्होंने जो फास्ट लाइन पे लिया तौसा पुल जो लिया तौसा फास्ट लाइन पे वो कम थी सन और तजारती जो मरकज है पे उन्हें भी इजाफा थी सी। इन्होंने जल्द सिर्फ मकीना गाल थे उन्होंने जो आखने पे कि लिया तौसा पुल बनना जितना सारे दही नुकसान का अजाला थी सी उ साकू तजारती मराकज हवाले नाल सगो बेहतरीन फायद मुयसर आसन। जी शुक्रिया साहब। चौगातम पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ब्लैकमेलिंग के जरिए पैसे बटोरने और कम सिंगर के लड़कियों को जिनसे ज्यादा का निशाना बनाने वाला नौ रुकनी गैंग बेनकाब। गैंग में दो खवातीन और सात मर्द शामिल। ग्रोह के सरगना से दो जाली शराबी कार्ड और महकमा तालीम में मुलाजमत के 40 ऑर्डर्स, 40 स्कॉलरशिप और जेर इस्तेमाल कंप्यूटर मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए। मुलजमान का चौक आजम समेत फतापुर और करोड़ में वारदात मुंतकिल कर दिया गया। नैया के नवाही इलाका 142 टीडीए में बे औलाद खातून पर शोहर ने जमीन तंग कर दी। शोहर ने दोस्तों के हमरा बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाकर घर से निकाल दिया। खातून ने शोहर के खिलाफ दरखास्त जमा करवा दी। शोहर ने बीवी को तलाक भिजवा दी। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। कराची के लागे शाहरा फैसल लाल कोठी के नाल शादी हॉल के बाहर फायरिंग नाल सिक्योरिटी गार्ड जहां बहाल की गया। बल्दिया च ऑपरेशन के दौरान चार मुलजमान हिरासत में घिर गए। शहरा फैसल लाल कोठी के नाल शादी हॉल के नाल फायरिंग नाल निजी कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड हलाक हो गया। फायरिंग के बाद पुलिस की भारी नफरी हादसे वाली जगह पे पहुंच गई ते सिक्योरिटी गार्ड की लाश को जिला अस्पताल मुंतकिल किया। मकतूल की शनाख्त अल्लादीनो के नाम तों की गई है।
پولیس مطابق ابتدائی طور پہ واقعہ ذاتی دشمنی دا شاخسانہ لگ گئے۔ پولیس ساتھی سیکیورٹی گارڈ کو حراست گھن گدا مکہ کالونی بلگیہ ٹاؤن نمبر 3 پولیس سرچ آپریشن کیتا۔ آپریشن کے دوران 4 ملزمان کو حراست گھن تے غیر قانونی اسلحہ تے مسلوب کا موٹر سائیکل برامد کر دی گئی۔ اتھا سپڑے ناظرین کو رسوں جو بھارتیہ کو شکست ہضم نہ تھی سگی۔ گوہاٹی ایک پاتے آسٹریلوی ٹیم کو سٹیڈیم ٹوٹل بنیاڑا لی بس تے پکاؤ کر دیتا، عملے نال بس دے شیشے تروڑ دی دے گئے۔ دوجہ ٹی ٹوینٹی ایچ آسٹریلیا بھارت کو ہرا دیتا، پر بھارتیہ کو ہار برداشت نہ تھی سگی۔ گوہاٹی پاتے آسٹریلوی کھلاڑی سٹیڈیم تو ہوٹل روانہ تھے تا ناراض بھارتی شائقین مہمانہ دی بس تے پتھر بسا دیتے۔ خوش قسمتی نال کوئی آسٹریلوی کھلاڑی زخمی نہ تھیا، پر ایرون فنچ سوشل میڈیا تے تصویر پاتے بھارت دی عدم برداشت دا پردہ چاک کر دیتا۔ گوہاٹی کھیلے گئے دوجے ٹی ٹوینٹی میچ وچ آسٹریلیا بھارت کو 8 وکٹاں تو شکست دے دی۔ نئی تے تونسا کو ملاوٹ سنگے پل دی تعمیر دے کم دا آغاز کر دیتا گیا۔ کنسٹرکشن کمپنی دے ذمہ داراں تے ممبر قومی اسمبلی سائٹ دا وزٹ کیتا۔ ای حوالے نال مزید گال کرن نو تھا موجود اپنے نمائندے ظاہر سرفراز نال۔ جی ظاہر سرفراز، لیا تو تونسا پل دی تعمیر دے حوالے نال تہاڈے کول کیا اپڈیٹ سر؟ جی بالکل لیا، تونسا پور کی جی عوام کا درینہ مطالبہ ہے پیا، وہ اندر عمل کام کا آغاز تھی گیا ہے۔ یہ حوالے مڈل سٹڈی پوری تھی مرد نار جا 2 مئی 2017 کو سابق وزیر پاکستان میم محمد نواز شریف لیا دورہ کیتا ہے، اور یہ پور کا جڑا ہے پیا آغاز کیتا ہے، اندر بریک سٹون کیتے ہیں، وہ حوالے جا کام ہے پیا اندر آغاز تھی گیا ہے۔ یہ حوالے تک رسنا لگتا ہے ٹینڈر پروسیس کا کام مکمل تھے ہونے کے جی کمپنی کنسٹرکشن کمپنی کو ٹھیکا الاٹ کیا گیا، انہیں سائٹ کا وزٹ کیا ہے، اور جن ممبر قومی اسمبلی قوم سکلین شاہ بخاری اور دیگر جڑے مقامی نمائندے ہیں پہ وہ بھی موجود ہیں پہ۔ نقصانات مراکز حوالے نال سب بہترین فائدہ مند اثر حاصل۔ جی شکریہ ظاہر سرفراز۔ رہتے ہیں اور آفس کے سمے بھی نوسینا یونیفارم ہی پہنتے ہیں۔ سابی کے انوسار وہ اب اپنے رائٹس کے لیے سپریم کورٹ جائیں گی۔ سبسکرائب ٹو آور چینل بائی کلکنگ دی سبسکرائب بٹن، کلک دی بیل بٹن اینڈ انجوائے دی لیٹسٹ اپلوڈز فرام آور چینل۔